भारतीय क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करवाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने खेल के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी काफी मशहूर है। दरअसल दोस्तों, धोनी ने पिछले महीने ही अपनी पत्नी साक्षी के साथ शादी के 11 साल पूरे किए थे। धोनी और साक्षी ने 4 जुलाई 2010 को एक दूसरे के साथ शादी की थी। हालांकि धोनी को एक ऐसी चीज की लत लग गई है जिसके चलते साक्षी थोड़ा परेशान है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि धोनी की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में धोनी की पत्नी साक्षी ने अपने और धोनी के कई किस्सों के बारे में बात की। इस बीच साक्षी ने ये भी बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान धोनी वीडियो गेम खेलकर अपना समय बिताते थे। वो मशहूर मोबाइल गेम पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलकर खुद को व्यस्त रखते थे। दरअसल आपको बता दें, साक्षी ने आगे बताया कि धोनी अपना दिमाग हमेशा चलाते रहते हैं और वो आराम नहीं करते हैं। साक्षी ने कहा, आप जानते हैं कि माही का दिमाग हमेशा चलता है और वो आराम नहीं करते। मेरे हिसाब से वो कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी या कोई और वीडियो गेम खेलते रहते हैं। इससे उन्हें अपना ध्यान कहीं और लगाने में मदद मिलती है। वहीं साक्षी ने आगे ये भी बताया कि माही नींद में भी सिर्फ पबजी की ही बातें करते रहते हैं। साक्षी ने कहा, पबजी अब मेरे बेडरूम तक घुस गया है। कई बार मुझे लगता है कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो हेडफोन लगाकर गेम खेलने में लगे रहते हैं। आजकल तो वो रात में सोते हुए भी नींद में पबजी के बारे में ही बात करते हैं। धोनी एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग से क्रिकेट में वापसी करेंगे। बता दें कि माही ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद वो सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए नजर आते हैं। मई में रद्द हुए आईपीएल 2021 को अब एक बार फिर से सितंबर में यूएई में आयोजित किया जाएगा। ये लीग 17 तारीख से शुरू होगी और इसका फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। खैर दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की इस लत को लेकर आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।